We have Muzammil Abbas joining us. His father died due to COVID in the Rajiv Gandhi Hospital. Mr. Abbas, thank you. आप हमारे साथ बात कर रहे हो आज. ये कठिन महीना है and आप you believe your father, आपके पिताजी मरे, he died alone, अकेले मरे. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू फॉर मुझे अपने जो बात रखने के लिए आपने मुझे इंटरव्यू में लिया. देखिए, लास्ट ईयर जो हमने झेला है, मेरे ख्याल से वो कोई और मेरे कि मैंने क्या क्या कंडीशंस अपने फादर्स के लिए क्या करा, मेरी मदर्स ने क्या किया. ये आज अप्रोक्सीमेट 1 ईयर हो गया, 5 मई को मेरे फादर की डेथ हो गई थी कोविड से. 17 दिन हॉस्पिटलाइज रहे. पहले हम अपने फादर के लिए दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स ही ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से मेरे फादर को हॉस्पिटल्स मिले. हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहा था. पूरी रात हम सड़कों पे, हर हॉस्पिटल्स में अलग अलग गए, बात करी, कोई हॉस्पिटल्स में लेने को तैयार नहीं. हर हॉस्पिटल्स वाले बोल रहे थे पहले कोविड रिपोर्ट्स लाओ. एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं यूपी से फादर साहब. मैं जॉब करता हूं दिल्ली में, तो मैंने फादर साहब यूपी में थे, वो यूपी से उनको दिल्ली बुलाया. अब हमारे पास उस टाइम पे कोविड रिपोर्ट नहीं थी, तो सबसे बड़ा टास्क ये हो गया था हमारे लिए कि हम फादर साहब को कैसे हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि जो नॉन कोविड हॉस्पिटल थे वो बोल रहे थे कि आप कोविड की रिपोर्ट्स लेके आओ, और जो कोविड वाले थे वो भी यही बोल रहे थे कि आप कोविड की रिपोर्ट्स लेके आओ. ये सबसे बड़ा एक टास्क था पूरा. हमें हॉस्पिटलाइज करने के लिए हमें पूरा एक दिन लगा, पूरी रात हमें निकल गए, पूरा एक दिन लगा. वो भी किसी के लिंक के थ्रू, हमारे होम टाउन से कोई लिंक निकला, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था. किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ने के बाद हमें हॉस्पिटल्स मिला. हॉस्पिटल भी वो मिला कि हमें एक दिन हमें कॉरिडोर में गुजारना पड़ा क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं था. करेक्ट. कॉरिडोर में एक रात गुजारने के बाद फिर हमें वहां पे बेड मिला. हमने अप्रोक्सीमेट वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर घंटे के बाद ये अनाउंसमेंट कि हमारे पास ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं है, आप अपने आप ढूंढ लो, अपने आप ढूंढ लो. वो एक मेजर हमारे लिए, क्योंकि उस लेवल पे कभी हमने कोई नॉलेज नहीं, हमें उस चीज की कुछ नहीं, तो वो देखना, फिर हमें भागा दौड़ी करना, फादर साहब को हॉस्पिटल्स में देखना, ऑक्सीजन का, मैं मेरा छोटा भाई, हम एवरीबॉडी वाज ऑन देयर ओन. सब अपने आप वाज स्टैंडिंग ऑन देयर ओन. सब अपने आप करना. और मुजम्मिल, आप योर फादर मैरिड यू ऑफ, यू गॉट मैरिड जस्ट अ मंथ अगो. या बट एट लीस्ट ही गॉट टू सी यू मैरिड ऑफ. यस मैम. एक्चुअली मेरे फादर मेरी शादी करने पे, हमारे फोर्स करने पे गल्फ से आए थे हमारी शादी करने के लिए. वो मना भी कर रहे थे कि मैं नहीं आ रहा क्योंकि अभी जो सिचुएशंस हैं वो बहुत बुरी हैं, तो मैं नहीं आ रहा, आप अपनी शादी कर लो. लेकिन हमारे फोर्स करने पे, हमारे मम्मी के फोर्स करने पे वो हमें सऊदी से यहाँ पे आए. यहाँ तक कि आज भी उनके बॉस की जो है ना, हम लोगों के पास कॉल आती है, उनके बॉस भी मना कर रहे थे, आप रेडी को वहां के अली के नाम से के अली आप मत जाओ इंडिया में. तो वो भी आज भी हमारे पास कॉल करते हैं कि हम अली से मना कर रहे थे. वो भी आज भी उनके बॉस, उनके जो शेख हैं, वो भी आज इतना मिस करते हैं उनको कि उनके काम को इतना अप्रिशिएट करते थे हमारे फादर साहब के कि हम बता नहीं सकते.